हमारा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक है। आपको पता है कि एटम जो होता है दैट इज, अगर आप इसकी डेफिनेशन याद करें तो ये डेफिनेशन थी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। कितने अरसे तक ये डेफिनेशन जो है ये लोग सही मानते रहे, और उसकी वजह ये थी कि अकॉर्डिंग टू, अगर आप याद करें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट ये था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम इज इंडिविजिबल, कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये एक पोस्टुलेट था जिसके ऊपर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बड़े अरसे तक खड़ी रही, लेकिन हमारे आइडियाज़, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो हमें ये पता लगा कि एटम जो है वो दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, के एटम जिससे मिलके बना होता है उनमें एटम जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। तो वो पार्टिकल्स दैट मेक लाइक एटम, एन एटम, वो पार्टिकल्स जो के एटम को बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या मतलब है कि एटम से छोटे पार्टिकल जिनसे मिलके एटम जो है वो बना है। तो अब हम यही देखेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आज के, कि कौन सा है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और वो कब कब और कैसे कैसे डिस्कवर हुए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेनली आर थ्री, और वो थ्री कौन से हैं। नंबर वन इज इलेक्ट्रॉन्स, नंबर टू आर द प्रोटॉन्स, एंड नंबर थ्री आर दी न्यूट्रॉन्स। तो अब हम बारी बारी जो है इनकी डिस्कवरी और इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम आम जुबान में कैथोड रेज भी कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको अगर आप, इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या था जिसके नतीजे में ये बात सामने आई कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो मौजूद हैं, या इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसकी एक्सपेरिमेंट को हम जो है वो स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंट सेज, ये इसके एक्सपेरिमेंट की डायग्राम है जिसको हम अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इट सेज कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो ट्यूब पूरी आपको नज़र आ रही है दिस इज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके अंदर आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास या तो गैस भी हो सकती है या फिर वो किसी चीज़ के वेपर्स हो सकते हैं, और एयर, या फिर आप उसको एयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस केस में एयर है, ये होगी गैस। इसको आप हाई वोल्टेज दे रहे हैं, दिस इज़ द हाई वोल्टेज जनरेटर, आप उसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो सा है वो देते हैं, और वोल्टेज बहुत ज़्यादा का क्या मतलब है कि मोर देन 5000 वोल्टेज, टू 5000 टू 10000 वी आप उसको देते हैं। अब जब भी आप बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। ये सारी बातें तो पुरानी बातें हैं, आपको इनका अंदाज़ा ऑलरेडी होना चाहिए। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है, ये वाली जो चीज़ है दिस इज एन आउटलेट फ्रॉम द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें से ये एक आउटलेट निकाली गई है टू द वैक्यूम पंप। ये जो वैक्यूम पंप है,
इसका क्या मतलब है? इसका मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एयर एट वेरी लो प्रेशर। तो जब भी आपको लो प्रेशर जो है वो मेंटेन करना हो, तो फिर आप उसके अंदर वैक्यूम जो है वो क्रिएट कर देते हैं। उसके अंदर से मौजूद एयर और गैस को आप बहुत ज़्यादा हद तक बाहर निकाल देते हैं, और आपके पास जो है वो वैक्यूम जो होता है वो अंदर क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आपने एक रेंज बताई है 500 से लेके 10,000 वोल्टेज तक, तो आप उसको कितना वोल्टेज देंगे? तो जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है वो मेंशन कर रहा है कि आपके पास जो सी एग्जैक्ट वोल्टेज की वैल्यू है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, के ट्यूब का डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ कितनी है, एंड नंबर टू इज द प्रेशर, कि उसके अंदर प्रेशर कितना है। आपको लेंथ और प्रेशर जब पता होगा तो उसके हिसाब से आप जो सा है अपना वोल्टेज जो है वो चेंज करेंगे। अब ये सारा एक्सपेरिमेंट आपने जो सा है वो सेटअप कर दिया। आपने क्या किया, आपने एक गैस को इंतहाई लो प्रेशर के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाल दिया, और उसको एक हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ अटैच कर दिया जो कि उसको वोल्टेज देगा। अब दो टर्मिनल्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एंड एनोड, दरमियान में गैस है, वैक्यूम पंप आपको हेल्प करेगा लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ये सारा आपने एक्सपेरिमेंट जब सेटअप कर दिया, तो आपने अब एक देखा क्या, आपने ये देखा कि व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो पास होना शुरू हो जाता है आपकी गैस में से। इस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर देती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो होना शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखें, गैस में से बिजली पास कभी भी नॉर्मल प्रेशर पर नहीं होगी, ये इंतहाई लो प्रेशर के ऊपर जाकर कहीं आपकी गैस में से कंडक्शन होती है। आपकी बुक में वो मेंशन कर रहा है 0.01 टॉर, ये बहुत ही लो, ज़्यादा लो प्रेशर है। 760 टॉर जो है ये आपके पास हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाता है 1 ATM, तो ये 1 टॉर का भी सोवा हिस्सा है, तो ये बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है। और लो प्रेशर के ऊपर जब आप उसको उसमें से करंट पास करेंगे तो अब होगा क्या, क्या चीज़ आप स्टडी करेंगे, आपको नज़र क्या आएगी, दैट इज अ ग्लो। आप देखेंगे कि एक गैस के अंदर जो है वो गैस आपकी ग्लो कर रही है, चमक उसमें से निकल रही है, एक फ्लोरिसेंस जो सी है वो निकल रही है। और वो फ्लोरिसेंस आपको कहाँ नज़र आएगी, वो फ्लोरिसेंस आपको इस कैथोड के ओपोजिट वाली वॉल पे नज़र आएगी। यहाँ पे अगर आप देखें ये लिखा हुआ है ग्रीन ग्लो, ये ग्लो आपको नज़र आएगा कैथोड के ओपोजिट वाली वॉल पे। ये जो उनकी कर्व वाली वॉल है इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दिस वॉल, इस वॉल के ऊपर आपको जो है ग्रीन कलर का ग्लो नज़र आएगा। वो ग्लो क्या मेंशन कर रहा है कि जो लाइट या जो चमक निकल रही है या जिस रेज की वजह से वो चमक जो सी है इस साइड को ग्लो करवा रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम कैथोड। जाहिर सी बात है, कैथोड के सामने वाली दीवार अगर चमक रही है तो कैथोड की तरफ से ही शुआएं जो सी हैं वो उसके ऊपर आके पड़ रही हैं। तो ये इससे पता क्या चला कि आपने जब लो प्रेशर के ऊपर किसी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में डाल के हाई वोल्टेज दिया तो कैथोड से कोई ना कोई रेज निकली। अब वो रेज चूंकि कैथोड से निकल रही थी तो हमने उसको नाम दे दिया कैथोड रेज, दीज आर द कैथोड रेज। अब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि ये ग्रीन ग्लो हर केस में ग्रीन ग्लो ही रहेगा, तो इसका आंसर है कि नहीं, हर केस में ग्रीन ग्लो नहीं रहेगा। ग्लो का कलर डिपेंड करेगा आपकी ग्लास के ऊपर, डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास के ऊपर, एंड आपने जो सी गैस इस्तेमाल की है अंदर एयर है या कोई और गैस है, तो उस गैस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कलर जो आपके पास ग्लो का आ रहा है वो कौन सा है। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसके नतीजे में आपके पास कैथोड रेज जो सी हैं वो डिस्कवर हो गई, कि कैथोड रेज जो हैं वो इस तरीके से जो है वो निकलती है। अब कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे जब हम उसकी ई और एम वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो एक्सपेरिमेंट था कि कैथोड रेज को जब आपने चेकआउट किया, डिस्कवर किया। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ।
प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये प्रॉपर्टीज हमें बताएंगी कि ये जो कैथोड रेज हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहली जो सी प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि दीज आर कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इनके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब ये कैसे पता चला कि इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है? तो वो पता चलाया 1897 में जे थॉम्सन ने। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने किया ये कि आपके पास जो सी आपकी कैथोड रेज निकल रही थी उन कैथोड रेज को इसने एक बिजली में से पास किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया। इसको अगर आप देखें तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जो जे थॉम्सन ने जो है वो परफॉर्म किया था। इसने क्या किया, इसने ये जो कैथोड से रेज निकल रही थी इनको बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी ताकि चेक किया जा सके कि इनके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है। अब वो चार्ज का कैसे पता लगा कि ये रेज अगर तो चार्ज के बगैर होती तो ये इधर डिफ्लेक्ट ना करती, ये सीधा इस तरफ मूव कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो गई, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। अब आपको पता है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इससे पता क्या चला कि ये पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड हुई हैं, विच शोज कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमें पता चली वो ये थी। इसी सिलसिले में एक और बंदा था जिसका नाम है जे पेरिन। इसने जो है 1895 में जो है ये शो किया कि जब हम इन रेज को, कैथोड रेज को प्लेस करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बेंड हो जाती हैं नॉर्थ पोल की तरफ। ये एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल उसी तरह का एक्सपेरिमेंट था जिसको हमने अभी रिसेंटली स्टडी किया, और वो ये था कि आपके पास जो कैथोड से निकलने वाली रेज हैं, ये अगर आप इसको देखें तो ये कैथोड था नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एनोड है, इसमें से कैथोड रेज निकल रही थी। आपने क्या किया, आपने एक मैग्नेट का, दिस इज अ मैग्नेट, आपने मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल जो है वो उसके जब करीब लेकर आए तो आपके पास जो सी रेज थी वो नॉर्थ पोल की तरफ बेंड होना शुरू हो गई। तो ये भी एक इंडिकेशन थी अबाउट द कैथोड रेज के दे आर नेगेटिव चार्ज्ड। अब इसी को आगे वो आपकी बुक में एक ये भी बयान कर रहा है कि थॉम्सन ने ही एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने क्या किया, उसने इसको अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, ये सपोज किया हमने कि हमारे पास एक कैथोड का सोर्स है, कैथोड रेज का, ये कैथोड है, इसमें से रेज जो सी हैं वो निकल रही थी। अब जब ये मैंने जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और ये जो है मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी है वो अप्लाई की है, जब मैं एक अप्लाई करता हूँ तो वो इस तरफ बेंड होती है, जब मैं दूसरा वाला अप्लाई करता हूँ तो वो 0.3 के ऊपर आती है। तो थॉम्सन ने क्या किया, थॉम्सन ने ये किया कि इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव
और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की क्वांटिटी को इस तरीके से मैनेज किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो सी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी थी ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करना शुरू हो गई। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड देना शुरू की, इस तरीके से एडजस्ट किया कि इन दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया और ये जो वन पॉइंट था स्ट्रेट लाइन वाला आपकी कैथोड रेज इसी पॉइंट के ऊपर आके गिरना शुरू हो गई। तो इससे जाहिर हुआ कि दोनों फोर्सेस का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का तकरीबन इक्वल जोन सा है वो इसके ऊपर इफेक्ट होता है और कैथोड रेज जोन सी हैं अपना रास्ता बदलने की सलाहियत रखती हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जो कि हमें बताया जिसने कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है। नंबर टू इज कि दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस। अगर तो ग्लास ट्यूब है आपके पास, ग्लास की ट्यूब है, तो वो कहता है जी दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस, ग्रीन कलर का ग्लो जो है आपके पास ग्लास के ऊपर वो नजर आएगा आपके पास उसकी डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास के ऊपर जो सा है वो कलर नजर आएगा। फिर वो कहता है कि ये कलर जो सा है वो चेंज भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपके कैथोड किसकी बनी हुई है और आपके पास रास्ते में कोई चीज अगर आ रही है। वो कहता है जी कि अगर इसके पाथ के अंदर एलुमिना रख दें, एलुमिना इज एलुमिनियम ऑक्साइड, तो एलुमिनिया जो है अगर कैथोड रेज एलुमिना के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगी तो ये रेड कलर का ग्लो जो सा है वो देना शुरू कर देगा। और अगर आपके पास टिन का एक स्टोन रख दें, टिन एक मेटल होता है, तो टिन का स्टोन जो है आपको येलो कलर का ग्लो देना शुरू कर देगा। तो ये डिफरेंट मटेरियल के ऊपर जब स्ट्राइक करती हैं तो डिफरेंट कलर का ग्लो आपके सामने आता है। नंबर थ्री इज के दे कास्ट अ शेडो। इनके रास्ते में अगर कोई चीज आए तो ये उसके ऊपर अपना शेडो जो है वो कास्ट कर देती हैं। दीज रेज कास्ट अ शेडो ऑन एनीथिंग विच कम्स इन देयर पाथ। अगर इसको आप देखें इस डायग्राम को, तो ये एक मेटल का क्रॉस था, मेटल का स्ट्रक्चर था जो कि इसके रास्ते में मौजूद है। दीज आर द कैथोड रेज जो कि इस डायरेक्शन में आ रही हैं और ये रास्ते में एनोड कह लें या कोई भी मेटल का, इसको इसने एनोड बना दिया है। लेकिन आप अगर इसके रास्ते में कोई भी चीज़ रख दें एनोड ना भी हो, तो ये क्या करेगा, ये आपके पास एक शेडो जोन सा है इस शक्ल में आपके पास शेडो ऑफ द मेटल क्रॉस बनाएगा। इससे क्या पता चलता है कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे हमारे नॉलेज में ये बात आती है कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट जोन सी है लाइन को ट्रेवल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट दिस इज ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से लाइट पास ना हो सके, तो अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हम उसके रास्ते में रख दें तो हमारे पास जोन सा है एक आपको शेडो उसका मिलता है। नंबर फोर इज के कैथोड रेज हैव मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, अगर आप रिकॉल करें अपनी फिजिक्स की क्लास को, तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। इस डायग्राम को अगर आप देखें, ये थोड़ी सी क्लियर नहीं है लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास कैथोड है, कैथोड से ये रेज इसमें से निकल रही हैं, दीज आर द कैथोड रेज। अब रास्ते में आपने उसके एक लाइट पैडल रख दिया। पैडल इज समथिंग जो के जिसको आप अगर फोर्स लगाएं तो ये यूं घूमना शुरू कर दे। तो कैथोड रेज जब इस पैडल के ऊपर आके स्ट्राइक की तो ये पैडल जो है इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करना शुरू हो गया है। तो दिस शोज कि इनके अंदर किसी भी बॉडी को वर्क करवाने का मोमेंटम मौजूद है, इनके अंदर एनर्जी इतनी है कि ये जो उनसे हैं अपने किस रास्ते में आने वाली चीज़ को मूव करवा सकें। अब मोमेंटम को अगर आप याद करें तो ये होती है मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी।
अब मैस तो जाहिर सी बात है कैथोड रेज का है, वेलोसिटी भी इनकी मौजूद है, लेकिन इससे जो बात हमें ये पता लग रही है कि दीज आर पार्टिकल्स इन नेचर। आपकी अगर ये लाइट वेव की शक्ल में होती तो फिर कभी भी ये पैडल को मूव ना करवा सकती, लेकिन जो ड्यूअल नेचर की हम बात करते हैं, पिछली प्रॉपर्टी हमने देखी कि लाइट वाला बिहेवियर भी है, शेडो भी बनाती है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मोमेंटम भी मौजूद है, पार्टिकल लाइक नेचर भी मौजूद है। तो यही ड्यूअल नेचर है जो हम आगे चल के स्टडी करेंगे। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी कि दे फॉर्म, दे हैव मोमेंटम, दे ड्राइव अ पैडल विच इज प्लेस्ड इन देयर वे, जो कि उसके रास्ते में जो है वो आ जाता है। नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज के कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। व्हेन दे स्ट्राइक विद एनोड। अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी कैथोड रेज आपकी एनोड से टकराएंगी, आपके पास एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं होंगी। एक्स रेज सिर्फ उस सूरत में प्रोड्यूस होंगी जब आपका जो सा एनोड है वो ऐसे मटेरियल का बना हो जिसका एटॉमिक मास लार्ज हो। एनोड विद लार्ज एटॉमिक मास के साथ जब आपकी कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी, कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी जब जाके एनोड के ऊपर, तो जो चीज़ पैदा होगी दैट वुड बी एक्स रेज। यही टेक्निक एग्जैक्ट जोन सी है हमारे पास एक्स रेज मशीन्स में इस्तेमाल होती है कि हम एक्स रेज कैसे पैदा करते हैं, कि कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाते हैं एनोड के ऊपर, वो एनोड जो कि किसी हैवी एटम का बना होता है जिसका एटॉमिक मास लार्ज होता है, तो जब इसके ऊपर जाके कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं तो इसमें से हमारे पास एक्स रेज जो सी हैं वो निकलती हैं, जिनको हम अपने मेडिसिन के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने यूज में लेके आते हैं। तो एक्स रेज इसी तरीके से पैदा होती है। तो ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी थी कि जब भी किसी ये बड़े एटॉमिक मास के एटम के साथ स्ट्राइक करेंगी तो एक्स रेज को प्रोड्यूस करेंगी। नंबर सिक्स इज दे प्रोड्यूस हीट। अब हीट पैदा करती हैं, इसका क्या मतलब है कि जब भी ये किसी मैटर के ऊपर, ये एक मैटर है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर कैथोड रेज आके पड़ेंगी तो इसके अंदर हीट पैदा होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप इसको कंकेव कैथोड, मतलब इसके ऊपर कंसंट्रेटेड कैथोड रेज पड़े। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी थी, ये एक मैं कहता हूँ कि मेरे पास प्लाटिनम की फॉयल है, दिस इज प्लाटिनम फॉयल, मैंने क्या किया, जो मेरी थी ना वो कैथोड रेज, वो एक कंकेव कैथोड से निकल रही थी। कंकेव की वजह से क्या होगा कि वो डाइवर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट के ऊपर, इस तरीके से वो सारी की सारी कंसंट्रेट होके, कंसंट्रेटेड कैथोड रेज जो होती हैं आपके पास, वो आपके प्लैटिनम फॉयल के ऊपर जब आके गिरेंगी तो ये जो सा है प्लैटिनम फॉयल ये ग्लो करना शुरू कर देगी। ग्लो करने का मतलब क्या है, जैसे जलने के अमल, हीट अप होके वो गर्म हो जाएगी और ग्लो करना शुरू कर देगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर एक कनकेव लेंस लेके लाइट को, धूप को जब आप कन्वर्ज कर देते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो वो जो कागज़ है उसमें आग लग जाती थी। सेम उसी तरह कंसनट्रेटेड जोनसी रेज, अगर कैथोड रेज को आप किसी मटेरियल के ऊपर, मैटर के ऊपर कंसनट्रेट कर दें तो वो हीट जो होता है वो प्रोड्यूस करेगा। नंबर सेवन इज दैट कैथोड रेज कैन आयनाइज गैसेस। गैसेस को वो आयोनाइज कर सकती हैं। अब आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक एटम है
और इसके शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं आके इसको स्ट्राइक करूं और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए और मेरे पास पीछे ए जो है पॉजिटिव वन एक आयन बन जाए। ये आयनाइजेशन होती है नॉर्मली। अब अभी हमने देखा कि ये पार्टिकल लाइक कैथोड रेज जो हैं, ये पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती हैं, ये इनके रास्ते में जबकि पैडल आता है तो ये इसे ड्राइव करती हैं, अभी हम स्टडी करके आए हैं। बिल्कुल उसी तरह कैथोड रे का पार्टिकल आके जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इसको नॉकआउट कर देगा बाहर, और नॉकआउट करेगा तो पीछे जो पार्टिकल बचा वो एक आयन था। तो हमने इसकी स्टडी देखी प्रॉपर्टी कि दे कैन आयनाइज अ गैस, किसी भी गैस को आयनाइज कर सकती हैं। अगर हाई एनर्जी कैथोड रेज आ रही हैं तो वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगी, उड़ा के ले जाएंगी और पीछे आपके पास आयन्स बच जाएंगे। तो ये आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी भी जो है कैथोड रेज की मौजूद है। फिर नंबर 8 इज कि इनका जो सा है दे कॉज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का क्या मतलब है कि ये किसी रिएक्शन को जो है वो अमल दरामद करवा सकती हैं। दो चीज़ों को अगर आपस में मौजूद हैं और आपने कैथोड रेज को उनके ऊपर स्ट्राइक किया है तो कोई ना कोई रिएक्शन अमल में आ सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे तो कोई ना कोई केमिकल चेंज जो उनसे है वो आएगा। तो यही बात है कि इसकी वजह से ये केमिकल चेंज को भी प्रमोट करती हैं, केमिकल चेंज भी इनकी वजह से हो जाता है। नंबर 9 इज कि दे कैन पास थ्रू, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो देखते हैं हम। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर इनकी इस तरह की है कि दे कैन पास थ्रू अ मेटल फॉयल। आप अपने घरों में जो एल्यूमिनियम की फॉयल यूज करते हैं, दैट इज वेरी थिन मेटल फॉयल, तो उसमें से जो सी है दे कैन पास, कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉयल्स लाइक एल्यूमिनियम की फॉयल होती है या गोल्ड की फॉयल, इसमें से ये आसानी से पास जो सी हैं वो कर जाती हैं। हाँ, अगर फॉयल ज़्यादा मोटी होगी, एक चादर की शक्ल इख्तियार कर जाएगी या सख्त होगी, तो फिर उसमें से ये पास नहीं कर सकेंगी। थ्रू वेरी थिन मेटल फॉयल दे कैन ईजीली पास। तो ये थी इनकी 9th प्रॉपर्टी। और 10th और जो सी आखिरी प्रॉपर्टी है वो है जी इसकी ई ओवर एम वैल्यू। नंबर 10, ई ओवर एम वैल्यू जो सी है इसकी, ई ओवर एम वैल्यू चार्ज टू मास रेशो। इसका चार्ज पता करें और इसका मास इन दोनों को डिवाइड करें तो जो रेशो आएगी दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये शो करते हैं कि कैथोड रेज और कुछ नहीं मगर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये बात इनकी ई ओवर एम वैल्यू बताती है कि ई ओवर एम वैल्यू रेज शो दैट दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। इसके कैसे पता चलेगा, इसका जी आपके पास आता है जे जे थॉम्सन। जे जे थॉम्सन ने जो है जो एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करके आए हैं इसके नेगेटिव चार्ज के हवाले से, इसके नेगेटिव चार्ज होने के हवाले से हमने जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जे जे थॉम्सन के जो है एक्सपेरिमेंट स्टडी किए हैं, उन्हीं एक्सपेरिमेंट की एक एडवांस शक्ल ये थी कि जे जे थॉम्सन ने इसकी ई ओवर एम वैल्यू भी फाइंड की थी कैथोड रेज की, और दैट केम इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स। अब जो वर्ड यूज़ करने का नाम है कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन किसने कहा सबसे पहले, तो ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लेते हैं, तो स्टोनी वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने कैथोड रेज को पहली दफ़ा नेम्ड कैथोड रेज एज इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड यूज़ किया था उस बंदे का नाम स्टोनी था। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थॉमसन ने ई ओवर एम वैल्यू जो सी है इसकी फाइंड आउट की, और जो सी है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये थी कि थॉमसन ने ये देखा कि कैथोड रेज जो सी हैं इनकी जो ई ओवर एम वैल्यू है कैथोड रेज की दैट रिमेन्स द सेम। ये सेम रहेगी नो मैटर विच गैस इज यूज्ड, इस बात के कतई नजर के आपने डिस्चार्ज ट्यूब में एयर ली है या नियॉन गैस ली है या आर्गन गैस ली है या
नाइट्रोजन ली है, कुछ भी ले लें, द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ द कैथोड रेज जोन सी है वो सेम की सेम थी। ये बात भी इस बात को जाहिर कर रही थी कि ये जोन सी कैथोड रेज और कुछ नहीं जबकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो ये भी एक पॉइंट था जो कि उसको सपोर्टिव पॉइंट था, रिमेन्स द सेम ई ओवर एम वैल्यू के दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सबसे पहले जोन सा है डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट स्टडी किया कि हमने लो प्रेशर के ऊपर गैस को हाई वोल्टेज दिया और कैथोड से कुछ रेज निकलना शुरू हो गई और उसके ऑपोजिट वॉल जोन सी है वो ग्लो करना शुरू हो गई। फिर हमने जब उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी की तो हमें पता चला कि दे आर नेगेटिव चार्ज, दे आर वेव लाइक स्ट्रक्चर के ये शेडो बना देती हैं, दे आर पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर के ये मोमेंटम भी शो करती हैं, दे हैव पेनिट्रेटिंग पावर, दे कैन आयनाइज गैसेस, एंड इन द एंड हमने इन तमाम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए जो चीज साबित की वो ये थी कि कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन दिस वे हमने इलेक्ट्रॉन्स की जो सी डिस्कवरी है उसको हमने स्टडी कर लिया है। तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 5 अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।